ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो चुकी रीमा दास निर्देशित पहली असमिया फिल्म विलेज रॉकस्टार्स को आज राज्य के 34 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। आज सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले गुरुवार की शाम को सिनेपोलिस में इसका प्रीमियर शो प्रदर्शित किया गया था। असम तथा समूचे पूर्वोत्तर राज्यों समेत कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य कई शहरों में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया। आज गुवाहाटी के सिनेमाघरों में भी विलेज रॉकस्टार्स को अच्छा रेस्पॉन्स मिला, जहां फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट में प्रसारित खबर के बाद राज्य सरकार ने रीमा दास को पुनः 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस तरह कुल मिलाकर सरकार की ओर से फिल्म के प्रमोशन के लिए रीमा दास को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। বহুত ভাল মই এইটো ধন্যবাদ দিলো সৰু কালতে অনুভৱ কৰি আহিছিলোঁ ঠিক আছে ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিলে বহুত ধুনীয়া লাগিছে একদম আজি বহুত বছৰৰ মূৰত এখন ভাল চিনেমা চাইছোঁ পোৱালী মানুহৰ যিটো হেৰি সেইবিলাক গোটেইখিনি তাতে মানে ফুটি উঠিছে ভাল হৈছে গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোলৈ নিজে যেন গুচি গৈছিলোঁ এনেকুৱা লাগে আমি অসম বিধানসভাত তেওঁক এটা বৃহৎ অংকৰ ধন দিবলৈ আমি স্পীকাৰৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ মই খবৰ পালোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী টকাটো ইতিমধ্যে ডাবুল কৰিলে 50 লক্ষৰ লগত আৰু 50 লক্ষ টকা আৰু ইতিমধ্যে তাৰমানে 1 কোটি টকা আজ পুৰে দেশ মে ব্যৱসায়িক বন্ধ কে মদেনজৰ আগৰতলা মে ভি বাজাৰ পুৰী তৰহ বন্ধ ৰখে গৈ त्रिपुरा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अगरतला में दवाइयों की ऑनलाइन सेल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने दवाइयों के ऑनलाइन सेल को लेकर व्यवसायिक बंद की अपील करते हुए कहा कि दवाइयों की ऑनलाइन सेल से उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंच रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से दवाइयों की ऑनलाइन सेल को मंजूरी दिए जाने से उनके व्यापार को ठेस पहुंची है। अगरतला में 6 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया। ऑर्गेनाइजेशन के सचिव कांतिलाल देव ने इस मौके पर बताया कि ऐसे प्रदर्शन में आम जनता पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने धरना प्रदर्शन न करने की अपील की थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने सिर्फ 6 घंटे के लिए ही हड़ताल की है। उन्होंने कहा कि दवाइयों के ऑनलाइन सेल से राज्य के 3,200 केमिस्ट और ड्रगिस्ट के व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। ये जो केमिस्ट धर्मगढ़ है ये अगेंस्ट ऑनलाइन ई फार्मेसी की अगेंस्ट में है। लास्ट 28 अगस्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें से ये ऑनलाइन बिजनेस मान्यता दे रही है। हम ये सारे 8 लाख केमिस्ट सोचते हैं ये मान्यता देने से हमारा ये सारा 8 लाख केमिस्ट स्टार्वेशन में पड़ जाएंगे और हमारा क्षति हो जाएंगे, साथ ही साथ समाज का भी क्षति होंगे इस एज बिकॉज ये ऑनलाइन के माफिक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग आ जाएंगे। किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता के खिलाफ ऑल मिजोरम फार्मर्स यूनियन ने शुक्रवार को आइजोल में एक रैली का आयोजन किया। किसानों ने कड़े शब्दों में राज्य सरकार की निंदा करते हुए विरोध के तौर पर सड़क पर अदरक बिखेर दिए। रैली में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। चांदमारी से शुरू हुई यह रैली वनापा हॉल में आकर सम्पन्न हुई, जहाँ ऑल मिजोरम फार्मर्स यूनियन के नेताओं ने मीडिया और प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष जोसेफ लाल छांग जुआला ने किसानों के प्रति उदासीनता के चलते कांग्रेस ने सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को वीआईपी कहती है लेकिन उन्हें वीआईपी की सहूलियतें नहीं देती। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने दुर्गा पूजा के आयोजकों को चेतावनी दी है कि वे पूजा के चंदे के नाम पर लोगों पर अत्याचार नहीं करें और चंदा इकट्ठा करते वक्त शांति बनाए रखें। दुर्गा पूजा त्रिपुरा का मुख्य उत्सव है। जनजाति और बंगाली दोनों समुदाय मिलकर इस उत्सव का लुत्फ उठाते हैं। हर साल राज्य में 2000 से अधिक दुर्गा पूजा के पंडाल सजाए जाते हैं। अधिकांश पूजा का आयोजन क्लबों की ओर से होता है। इस साल भी यह देखने को मिला है कि कई स्थानों पर लोगों से चंदा इकट्ठा करने के नाम पर बदसलूकी की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री को मजबूरन या चेतावनी देने पर मजबूर होना पड़ा है। इधर सभी उपप्रखंडों में पूजा के आयोजकों और क्लब के सदस्यों के साथ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठकों का आयोजन कर रहे हैं।
কাউকে হয়রানি না করা সরকার শক্ত হাতে মোকাবেলা করেছে। কারণ চাঁদার নামে জুলুমবাজি করা হচ্ছে, পূজার চাঁদা 5 লাখ টাকা হয় না, গিয়ে কাউকে বলা হচ্ছে 5 লাখ টাকা চাঁদে দিতে হবে। ত্রিপুরাতে এমন কজন ব্যক্তি আছে যে 5 লাখ টাকা পূজার চাঁদা দিতে পারে? ত্রিপুরার বাকি পেটা ইনকাম আমরা জানি না। তো এইভাবে যাদেরকে কিছু করা হয় মানে ওই ব্যক্তিকে হয়রানি করে জুলুমবাজি আফতাগুড়ি হচ্ছে, সেটা তো মায়ের নামে সেটা করা উচিত না। সেটা আমরা যাতে সবাই মিলেমিশে সুন্দরভাবে দুর্গা পূজাটা পালন করতে পারি সেই দিশাতে সবাইকে চিন্তা করা, ওর যারা এই ধরনের কাজে লিপ্ত থাকবে, আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলে দিয়েছি কোনো পার্টি প্রতি কোনো কিছু দেখা হবে না, তাদের উপর সত্যি সে সরকার কার্রবাই করবে। দুর্গা পূজা ত্রিপুরা কে প্রমুখ ফেস্টিভ্যালো মে সে এক হে, মগর ইস বার দুর্গা পূজা কে লেকে কমন পাবলিকো কে উপর চন্দা কা জুলুম সামনে আ রহে হ্যায়। হালাত ইস তরহ সে বদতর হো রহে হ্যায় কি চিফ মিনিস্টার কো ভি খুদ ইস বিষয় পে ইন্টারফেয়ার করনা পড়া। मिजोरम में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार को उस समय बहुत बड़ी राहत मिली जब राज्य की हाई कोर्ट ने न्यू लैंड यूज पॉलिसी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। सामाजिक कार्यकर्ता वेनराम चुआंगी ने सरकार की न्यू लैंड यूज पॉलिसी के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार की न्यू लैंड यूज पॉलिसी के तहत जो धन रखा गया था उसे लोग इस पॉलिसी के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मिजोरम के उन 16,000 परिवारों को 166 करोड़ से अधिक धनराशि अदा करने की अनुमति दी है जिन्हें विभिन्न व्यवसायों के तहत चुना गया था। उन लोगों को विधानसभा चुनाव से पूर्व 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री लालधन हावला ने इस मौके पर कहा कि विरोधी पार्टियां नहीं चाहती थी कि इस पॉलिसी के तहत रखी गई जमा राशि लाभार्थियों को अदा की जाए।